जय श्री राम जी आप सभी को। और बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है, और वीडियो नहीं ये एक सीरीज है, आपको इस सीरीज में बहुत मजा आएगा। तो अब आपको बताता हूँ हमारा टारगेट क्या है। टारगेट आपको हमारा स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, 3-4 बहुत ही हाईएस्ट प्लेसेस हमने कवर करके आनी है। सबसे पहले हमारी डेस्टिनेशन होगी मनाली, तो हम यहाँ से निकलते हैं, नए हाईवे से जाएंगे जो नया हाईवे खुला है 4 लेन। और आगे जाकर ना बहुत सारी बातें करनी, सभी बातें अभी यहाँ पर कर लूंगा तो क्या फिर फायदा होगा। अभी आप साइकिल देख लो कुछ ऐसे, पीछे एक बैग लगा हुआ है इसके अंदर बताऊंगा बाद में क्या है। एक ये बैग लगा है, यहाँ पर ये रस्सी लगी हुई है जिसके साथ मैंने साइकिल को बांधा था बस के ऊपर, और ये मेरा बैग है बाकी। ठीक है, बस यही है। इस बार कैंपिंग वगैरह नहीं होगी, इस बार हम सिर्फ एंजॉय करेंगे, ज्यादा खिलाड़ी अपने साथ नहीं लेकर जा रहे हैं, सब मजा बहुत आएगा। सबसे पहले हम यहाँ से निकलते हैं। अभी मैं फिलहाल कीर्तपुर साहब में हूँ, बस वाले मुझे यहाँ पर छोड़ दिया था, और वहाँ पर है हमारा रास्ता आगे को, और निकलते हैं, देखते हैं कितनी टनल खुली है कितनी नहीं, पूरी आपको नॉलेज मिलेगी इसके अंदर। तो वीडियो को मिस मत करना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट बाद में करके बताना वीडियो देखने के बाद। और मजा जेन्युइनली बता रहा हूँ बहुत आएगा, क्योंकि इस रोड पर साइकिलिंग की ये फर्स्ट वीडियो होने वाली है। दोस्तों जैसे आज फर्स्ट डे है ना ट्रिप का भी, और वीडियो भी फर्स्ट है हमारी सीरीज की, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम फर्स्ट डे को पुल तक टच कर जाएं, और सुंदरनगर हमारा पहला स्टॉप होगा 1 या 2 बजे के राउंड खाने पीने का, तो मज़ा आएगा। अभी हम चल रहे हैं ऐसा थोड़ा सा चलान बड़ी देर के बाद आएंगे। अभी भी हेडविंड है भाई इस साइड पर ना, कब से हेडविंड आ रही है, जब आगे जाकर डायरेक्शन चेंज होगी तब मज़ेदार रूट आएगा ज़्यादा। अभी टनल शादी खुली नहीं है क्योंकि उद्घाटन हुआ नहीं है अभी, मतलब मोदी जी अभी तक आए नहीं उद्घाटन करने के लिए। टनल 1 आ चुकी है, वैसे तो ये बंद की हुई है, पत्थर लगाए हैं वहाँ पर, लेकिन साइकिल और बाइक वाले जा सकते हैं। मैंने एक बाइक वाले को देखा वापस आते ही, उसको आवाज़ लगाई कि जा सकता हूँ क्या मैं। हाँ, साइकिल और बाइक को दिक्कत नहीं है, गाड़ी को अलाउड नहीं करते, सो भाई शॉर्टकट मिल गया। भाई क्या मज़ा आ रहा है यार, भाई आवाज़ कैसे गूंजी यार। ये लिए भाई दूसरी टनल भी, इसको भी एंट्री मिल गई अपने को। शायद कईयों के मन में सवाल आ रहा होगा, भाई जो साइकिलिंग करने आते हैं और कहते हैं कि लंबा रास्ता ना पड़े, शॉर्टकट मिल जाए, लंबे रास्ते पर ना चढ़ाई करनी पड़े, उसकी वजह बताऊँ क्या, लंबे रास्ते पर होता है भाई ट्रैफिक। स्वार घाट वाली चढ़ाई कभी आओगे ना तो देखना, एक तो चढ़ाई चलो दिक्कत नहीं है, ट्रक बसें कारें ऐसी निकलती हैं ना, तभी तो मैं आज तक भी मनाली गया नहीं है, नए रास्ता खुलने के बाद ही जा रहा हूँ मैं। और कुछ खुले ना खुले, ये ठेके जरूर खुलते हैं सबसे पहले हर रोड पर। और भाई यहाँ पर अब रिस्क कम हो चुका है, बिकॉज ये देखो क्या हमारे ये स्पीड पर आ जाते हैं, और अगर 60 के ऊपर की स्पीड हुई ना तो चलान कटेगा गाड़ी का। तो भाई ये आ गई वो जगह जहाँ पर मैंने आज से 3 महीने पहले वीडियो बनाई थी, और आपसे वादा किया था जैसे ही नया रास्ता खुल जाएगा हम मनाली के ट्रिप के लिए निकल जाएंगे। जल्दी बन जाए भाई, फिर मनाली का टूर लगाएंगे फ्रॉम लुधियाना टू डायरेक्ट मनाली। यहाँ से 40 किलोमीटर सुंदरनगर पहुँच के सीधा वहाँ पर, अब ज़्यादा डिफिकल्ट रोड नहीं है, ईजी है। हम लोग कुछ खाएंगे, भूख बहुत लग रही है, सुबह 4 बजे बस मैंने दूध का ग्लास पिया, साथ में बिस्कुट खाया था। किलोमीटर है अप्रॉक्स 9:30 वैसे तो, और मेरी पीठ दुख रही है भाई बहुत ज़्यादा, मेरे को 15 मिनट हो गया यहाँ पर खड़े को, लेफ्ट साइड से मेरी पीठ दुख रही है। हम पहुँच चुके हैं हंगरी पॉइंट पर सुंदरनगर वाले। मैं जब भी पहाड़ों पर आता हूँ मैं सजेस्ट करता हूँ कि हंगरी पॉइंट पर जाएगा, क्योंकि इनका फ्रेश फूड होता है, कुछ भी ले लो, पिज्जा बर्गर एनीथिंग सब कुछ बहुत बढ़िया होता है इनका, जो मर्जी खा लो। कि जब सुंदरनगर सुंदरनगर मंडी के बीच का डिफरेंस है 15 या 20 किलोमीटर है, और बीच में कोई भी टनल नहीं है इसके, मंडी के बाद आती है, मंडी के भी 10 किलोमीटर बाद आती है, तो वहाँ तक मुझे जाना पड़ेगा, तब तक के लिए खाते हैं ऐसे। लो भाई जी खा पी लिया, साइकिल हो चुकी है पूरी अच्छी तरह, गंदी बाद में दिखाऊंगा, अब हम चलते हैं आगे को। 14 किलोमीटर पहले हूँ एंड चल रहे हैं अभी आगे, व्यू बढ़िया है बहुत। प्लान सुन लो क्या है, प्लान कुछ ऐसा है कि पहले मैंने सोचा था कुल्लू जाऊँगा, और अब मैंने सोचा है कि मंडी क्रॉस करने के बाद 7 बजे तक जहाँ पर भी हुआ वहाँ पर रुक जाऊँगा, ठीक है, समझ रहे हो बात, जहाँ पर भी हुआ, क्योंकि 7 बजे के बाद होता है अंधेरा शुरू, पर हमने रिस्क नहीं लेना यार, कमिंग हेयर टू एंजॉय द रूट नॉट टू कवर द डिस्टेंस। हम यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हैं, रास्तों को डिस्टेंस कवर करने नहीं आए, सो चलते हैं। ठीक है भाई, ये लग रहा है जाम,
साइकिल को दिक्कत नहीं है यार, अभी रुकेगा तो मैं साइड से निकल जाऊंगा। अपने को किस बात की चिंता जब अपने पास साइकिल है भाई। वो हम मंडी पीछे छोड़ा है, ये जाता सीधा अपने रास्ते को जहाँ पर हमने जाना है। और अब मैंने डिसाइड किया, मतलब अब तो नहीं, एक डेढ़ घंटा हो डिसाइड किया, वो बात अलग है, कैमरा ऑन नहीं है, भी अपने भजन चल रहे थे। एंड अब हमने जाना है यहाँ पर और टनल जाना है क्रॉस करके राइट साइड पर नहर के साथ, बहुत ही सारे होटल हैं, मतलब 10-15 होटल हैं, तो वहाँ पर रुकेंगे, मज़ा आएगा। और 22 किलोमीटर है अभी रास्ता, कुछ ऐसा है नीचे से जा रहे हैं, ख़राब है तो मैं ऊपर चढ़ गया थोड़ा सा रॉन्ग साइड, क्योंकि मैंने गाड़ियाँ जाते हुए देखी थी यहाँ से भी। अभी टाइम 6:20 हो रहे हैं और 22 किलोमीटर यहाँ से पड़ा हुआ है, 7:30 का सनसेट टाइम बता रहा है, पहुँचना पड़ेगा टाइम से। लो जी भाई, टनल नंबर 11, 20 की पता नहीं कहाँ गई, बाकी बातें आराम से कल करेंगे। जाम लगा, बहुत घना जाम लगा हुआ है, मैं गाड़ी में था किसी की, ट्रक में मैं निकल गया, मैंने गाड़ी का जाम लगा रहेगा, अपन साइकिल पर निकले चलते हैं आगे। भाई अभी और टनल पार कर रहे हैं, AUT टनल, गाड़ी आ रही है 5 मिनट के बाद एक। भाई अभी एक टनल और टनल क्रॉस करने के बाद एक जगह पर पहुंच चुके हैं, क्रॉस करने के बाद 200 मीटर के एरिया में, मुझे विलेज का नाम नहीं पता, स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। और आके कपड़े बदले, सबसे पहले रूम भी ले लिया, बढ़िया जैसा मिलेगा ले लिया, पर ओके है रूम भी, वॉशरूम वगैरह भी साफ है पूरा। और निकल जा रहा हूँ, दूध का गिलास पिया साथ में, मैगी खाई एक, एंड 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 अब सोने जा रहे हैं, सुबह उठते हैं, बाकी आपको पीछे का व्यू दिखाते हैं। ये वाला होटल है अपना, कहाँ पर गया, ये वाला होटल है, वो भी यहाँ पर गाड़ी के पीछे वाला, इसके पीछे नहर है, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। कल बहुत सारी बातें करनी है आपसे, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आप तो कमेंट कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, मज़ा आ जाएगा आपको भी बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट पार्ट का भी वेट करना, बहुत जल्दी आएगा, क्या पता कल आए परसों आए। गुड नाइट गाइज, जय श्री राम।